भारत की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मेकर कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी को हाल ही में एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है नोकिया की तरफ से। यहाँ पर इन्हें नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज को मैन्युफैक्चर करना है। इसके अलावा कंपनी के और भी बाकी टीवी कंपनीज के साथ समझौते हैं, जिसमें शामिल है इंटेक्स, लॉयल और तोशीबा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। यहाँ पर डिक्सन कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पिछले साल के जुलाई में इस कंपनी ने एलजी स्मार्टफोन्स को भी असेंबल करना शुरू कर दिया था इन देयर नोएडा फैक्ट्री। और अब जल्द ही एचएमडी ग्लोबल, जो कि नोकिया फोन और मोटोरोला के मेकर है, तो इनके मोबाइल फोन्स को भी अब जल्द ही यहाँ पर असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी के कुछ अधिकारियों ने बताया कि स्मार्टफोन्स के अलावा नोकिया, इंटेक्स, लॉयल और तोशिबा जैसे ब्रांड के लिए एलईडी टीवीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने चित्तौड़ फैक्ट्री में निर्मित करेगा। यहाँ पर कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव ने बताया कि डिक्सन बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है और अब वो जल्द ही इंडिया का पहला ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के रूप में उभर के आएगा और चाइनीज, वियतनामीज के जो बड़े बड़े जॉइंट कंपनीज है उनको टक्कर देगा। अब यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है वो तो कंपनी ने साझा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर यह भी बताया कि वो बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी अब जल्द ही एंटर करने वाली है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, जिसमें लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, सर्वर्स, ये सब चीजें शामिल है। और अब जल्द ही कंपनी साउथ इंडिया में अपनी फैक्ट्री को खोलना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी बोट ब्रांड के ट्विन वायरलेस स्पीकर्स को भी मैन्युफैक्चर करना चाहती है यहाँ पर, लेकिन अब कंपनी यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जरा रुकी है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स। यहाँ पर बता दें कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया में एक काफी पियोनर रही है इन टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग, और वो साथ ही में बाकी के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि शाओमी, सैमसंग, पैनासोनिक, टीसीएल, सैनसुई, फिलिप्स और फ्लिपकार्ट का जो एक कंपनी है मार्क, तो इनके साथ भी क्लोजली काम कर रही है। वैसे हम इंडिया के टेलीविजन मार्केट को देखें तो पता चलेगा कि शाओमी और सैमसंग इन दोनों कंपनीज ने लगभग 40% ऑफ मार्केट को एक्वायर कर लिया है। इसके बाद एलजी, सोनी और टीसीएल, इन कंपनीज का रैंक आता है इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली। और क्योंकि यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है सेंटर की तरफ से फॉर इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स, तो अब वो जल्द ही 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी टू एक्सपांड दिस कैटेगरी। इसके साथ ही वो फर्स्ट फेज के एक्सपेंशन के लिए 75 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल की बात करें तो कंपनी सैमसंग के फीचर फोन्स के साथ साथ पैनासोनिक और जियोनी के स्मार्टफोन्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन अब जल्द ही आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें शामिल होंगे वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइटनिंग्स और वेयरेबल्स। इसके आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, लेकिन उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सो दैट्स इट गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।